my dear friends, I welcome you to your own YouTube channel, Career Launcher Academy. I hope that you will be fit and fine, and at the same time, I can hope that you have observed, you have watched, आप देख चुके हैं हम our two previous video, we have discussed या we have learned the use of definite and indefinite article. Up to now, we have learned that where we have to use an and the. Definite and indefinite article. So students, today's session, the today's lecture is more important than the other two. It's full of exception. ये क्या है? Exception से भरा हुआ है, error से भरा हुआ है, जहाँ पे हमें mistake करते हैं, जहाँ पर हम mistake करते हैं, और यहीं से examiner आपके question पूछते हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि students क्या है नॉर्मली वहां पर मिस्टेक कर देते हैं. सो हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी आर्टिकल का टॉपिक पढ़ते हैं और हमें उसमें दिखता है ब्लैंक, तो हमारा मन होता है या तो या ए आएगा या एन आएगा या द आएगा. हम उसको खाली छोड़ना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ब्लैंक अगर दिया जाता है किसी भी क्वेश्चन में, आर्टिकल के स्पेसिफिक क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको आर्टिकल भरना कंपल्सरी है. नो, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर आपको जीरो आर्टिकल, जहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जहां पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता. हम सीखेंगे कि वी डोंट यूज आर्टिकल और एनी आर्टिकल, वेयर डोंट वी यूज एनी आर्टिकल. ओके, सो वन बाय वन हम सब सीखेंगे. आज के हमारे जो उसका लेक्चर का नाम है द ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि ओमिशन, यानी कि जहां पर आर्टिकल नहीं लगने या जीरो आर्टिकल इस टॉपिक को कहते हैं. तो हम आज के सेशन को शुरू करते हैं विदाउट मेकिंग एनी डिले. सो स्टूडेंट्स, हम कहां पर यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का, सो सबसे पहले मैं यहां से शुरू करता हूं, बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन. ओके, सो पहली बात जो मैंने लिखी है, एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, और इन एक एक चीज को लिखने के बाद हम सीखेंगे इनके एग्जाम्पल के थ्रू, और इनके एक्सेप्शन भी साथ में करेंगे. पहले ये जानने की प्रॉपर नाउन होता क्या है, किसी भी वस्तु स्थान का जो पार्टिकुलर नेम होता है, जो पार्टिकुलर नेम है, जैसे माय नेम इज सुनील, लेकिन आई एम अ टीचर, टीचर कॉमन है. जो भी पार्टिकुलर नेम है, जहां पे हम रहते हैं, आई लिव इन पानीपत, मैं पानीपत में रहता हूं, सो ये क्या है, ये क्या है, पानीपत प्रॉपर नाउन है, जबकि उसको सिटी कहा जा सकता है. किसी भी जगह का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जो पार्टिकुलर नेम होता है, उससे पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है. मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आई लिव इन डैश, अगर आपको ऐसा नाम मिलता है आई लिव इन पानीपत, तो देर विल बी नो आर्टिकल, बिकॉज पानीपत इज अ नेम ऑफ अ सिटी, एंड यू कंसीडर पानीपत इज अ प्रॉपर नाउन. कि पानीपत हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है. और वो सिचुएशन भी नहीं है यहां पे कि जिससे हम कह सके कि पानीपत के सामने क्या आता है, कोई आर्टिकल आ सकता है. ऐसे ही कह सकते हैं ही इज डैश राम हु इज माय फ्रेंड. अब हमारे पास जो ब्लैंक के बाद है वो राम आया है, और वो क्या है, प्रॉपर नाउन है. तो हम यहां जीरो आर्टिकल लगाएंगे, और वो सिचुएशन भी नहीं है जहां पर हम लगाते हैं. तो हम बात कर लेते हैं कहां पर लगाते हैं, ताकि आपको लगता है जहां पर नहीं लगाते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो. हम बात कर लेते हैं यहां पे एक्सेप्शन की, हम बात कर लेते हैं यहां पे एक्सेप्शन कि कहां पर प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल लग सकता है. हालांकि आज हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओमिशन की, लेकिन साथ में एक्सेप्शन करेंगे, तो जो आपके डाउट्स हैं वो ज्यादा क्लियर होंगे. एक्सेप्शन में कहां लगा सकते हैं, जब भी किसी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है, जब भी किसी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जाता है, तो हम कैसे करेंगे, देखना कंपैरिजन कैसे करेंगे. हम कहते हैं, मैं यहां पर ले लेता हूं करनाल का नाम, करनाल का कंपैरिजन करता हूं मैं चंडीगढ़ के साथ. करनाल इज डैश चंडीगढ़ ऑफ हरियाणा. मैंने कहा कि जो करनाल है
वो चंडी हरियाणा का क्या है, चंडीगढ़ है। इस सिचुएशन में जब दो प्रॉपर नाउन का हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि जो करनाल है वो भी इक्वली ब्यूटीफुल है, इक्वली ब्यूटीफुल है किसके, चंडीगढ़ के। हम कह सकते हैं हरियाणा का चंडीगढ़ है क्या, करनाल। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब किसी एक प्रॉपर नाउन का उसके किसी एक गुण भाव के कारण दूसरे के साथ क्या किया जाता है, क्या की जाती, कंपेरिजन की जाती है, तो जिसके साथ कंपेरिजन की जाती है उसके साथ क्या लगता है, दा लगता है। यानी जिसकी कंपेरिजन की रही है नहीं, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल और जैसे राम कह लेते हैं, राम है मेरी क्लास में, राम इज, ठीक है, वो दिखने में लगता है राम इज दी सलमान खान, राम इज दी सलमान खान, ठीक है, ऑफ आवर क्लास, ऑफ आवर क्लास, ओके। इसका मतलब क्या है, मैंने किसी गुण के कारण, किसी गुण के कारण राम की तुलना की है जो मेरी क्लास का स्टूडेंट है, किसके साथ किया, सलमान खान के साथ, और इसी कारण से मैंने क्या किया, सलमान खान से पहले क्या लगाया, दा लगाया है। इस सिचुएशन में आप दा लगा सकते हैं जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जाती है, आपस में कंपेरिजन किया जाता है, एंड शोन द सेम एज, जिनको एक जैसा दिखाया जाता है, तब हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। एक सिचुएशन और देख लीजिएगा जहां पर हम लगा सकते हैं आर्टिकल। एक और मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं, जब आप लगाते कोई, जब आप कहते कोई, एनी, कोई लगाते हैं, कोई के अर्थ में भी आप क्या लगाते हैं, ए और एन का यूज कर सकते हैं, वहां दागा नहीं करते। अगर आपसे पूछता है कि ये चैनल, जैसे जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि ये चैनल किसका है और आप मुझे नहीं जानते पर्सनली, तो आप क्या जवाब देंगे, दिस चैनल बिलोंग्स टू आ सुनील। आप मुझे नहीं जानते बट यू हैव हर्ड माय नेम, आपने मेरा नाम सुना है, तो आप क्या कहेंगे, दिस चैनल बिलोंग्स टू आ सुनील। तो हालांकि प्रॉपर नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल नहीं आता, बता चुका हूं, लेकिन जब दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जाए और या कोई के अर्थ में दिखाया जाए, कि सपोज कीजिए कि आपके पिताजी से कोई घर पर मिलने आता है, सपोज करें, और आपके फादर घर पर नहीं है, योर फादर इज नॉट एट होम, आपके पिताजी घर पर नहीं है और आप उस व्यक्ति को नहीं जानते जो उनसे मिलने आया था, तो वो कहता है कि रमेश नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया था। इसका मतलब जब फादर आएंगे तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे फादर से, डियर फादर रमेश केम टू मीट यू, ठीक है, अ पर्सन हुज नेम इज रमेश, इसका मतलब रमेश, ठीक है, केम आया था टू मीट यू, आपसे मिलने के लिए, जब आपको उसको नहीं जानते। तो इस प्रकार से आप यहां पे इसका एक्सेप्शन को याद कर सकते हैं, एक जगह पर ऐसे आर्टिकल लग सकता है। तो पहला हमने सीखा कि हम किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नॉर्मली नहीं लगाते हैं, अब नॉर्मल सिचुएशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सेकेंड हमारा है, सेकेंड हम करेंगे कहां पे यूज करते हैं, बिफोर कुछ मैं यहां पे नाउन लिख देता हूं, बिफोर किस किस से पहले, जैसे स्कूल है आपका कॉलेज, चर्च, टेंपल, हॉस्पिटल, ओके, हॉस्पिटल, जैसे आप देख सकते हैं स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, टेंपल है, हॉस्पिटल आपका मैंने यहां पे लिख दिया है, और बता देता हूं मैं आपका सी, बेड, टेबल, ओके, आई हैव रोट द नेम ऑफ सम नाउन्स देयर, और एक आप ले लेते हैं मार्केट और प्रिजन भी इसमें आप ले सकते हैं, जैसे मार्केट में आप जाते हैं, मार्केट एंड प्रिजन ATC। देखिए बच्चे, हमने यहां पर कुछ नाउन लिख दिए, ये जो नाउन है इनका कुछ खास फंक्शन है, ये सुनो, स्कूल का फंक्शन ही ले लेते हैं, स्कूल का क्या काम है, स्कूल में क्या काम होता है, अगर मैं हिंदी में कहूं तो क्या होता है, पढ़ना और
क्या होता है, पढ़ाना। स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि आपको समझ में आएगा, पढ़ना और पढ़ाना। यस और नो, स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्कूल, टू गेट एजुकेशन या टू इंपार्ट एजुकेशन, शिक्षा लेना और शिक्षा देना, यही स्कूल का काम है। और जब भी कोई व्यक्ति, जो भी मैंने यहां पर नाउ लिखे हैं, उनके प्राइमरी फंक्शन के लिए, उनका प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, ध्यान रखेंगे मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, प्राइमरी फंक्शन, जब भी कोई व्यक्ति ऊपर लिखे किसी भी नाम को ले लीजिएगा, चर्च का काम होता है पूजा करना करवाना, कॉलेज पढ़ना पढ़ाना, हॉस्पिटल में इलाज करना कराना, ठीक है, ये सभी बेड पे सोते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन, यानी कि आप ध्यान रखिए ऊपर लिखे किसी भी नाम के अगर प्राइमरी फंक्शन के लिए उसको यूज किया जाता है तो देर विल बी नो आर्टिकल, इट मीन्स दैट जीरो आर्टिकल। क्लियर हुआ, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे मैं एक टीचर हूं तो मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल, ब्लैंक ले लेते ताकि आपको समझ में आए, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं एक टीचर हूं, मैं यहां लिख देता हूं, क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये डाउटफुल हो जाएगा, मैं एक टीचर हूं और मैं कहता हूं कि आई गो टू स्कूल, एक टीचर स्कूल में क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है, पढ़ाने जाता है, और एक तरह से हम बच्चों से सीखते भी, पढ़ने भी जाते हैं, पढ़ना और पढ़ाना काम होता है टीचर का, पठन और पाठन के लिए। यस, और देखिएगा मैंने कहा जब ऊपर लिखे नाम के उसी कार्य के लिए आप जाते हैं जिस काम के लिए उसको बनाया गया प्राइमरी फंक्शन के लिए, तो देयर शुड बी नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आपको यूज करना है। और हर एक चीज को हम सेकेंडरी फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन, हर एक चीज का हम सेकेंडरी कहते हैं ना, हर एक चीज के दो मीनिंग होते हैं, तो सेकेंडरी फंक्शन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। जैसे सपोज कीजिएगा आप कहें माय फादर, ठीक है, माय फादर वेंट टू स्कूल, वेंट टू डैश लगा दे फिर लिख देते स्कूल, ठीक है, स्कूल में गए टू मीट, टू मीट मिलने के लिए द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल। अब आप देखिए आपके पिताजी जो स्कूल में गए हैं वो क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ने गए हैं, नो, क्या पढ़ाने गए हैं, नो, किस लिए गए हैं, स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने के लिए। अगर आप ऊपर लिखे किसी भी नाउन को उसके सेकेंडरी फंक्शन के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा द, अदरवाइज क्या रहेगा, जीरो आर्टिकल, क्या रहेगा, जीरो आर्टिकल, इतना ठीक है, यू आर गोइंग टू यूज जीरो आर्टिकल। यहां से मुझे लगता है कि सेकंड जो मैंने बताया है समझ में आ गया होगा कि जो स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, टेंपल है, जो भी दीज नाउन्स विच आर रिटन बाय मी ऑन द बोर्ड एंड दे आर व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर प्राइमरी फंक्शन देन वी यूज नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ओके, एंड व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर सेकेंडरी फंक्शन तो हम उसमें क्या करते हैं, क्या करते हैं, वहां पे द लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, आप हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करने गए हैं तो कोई आर्टिकल नहीं, इलाज करवाने गए हैं तो कोई आर्टिकल नहीं, यानी डॉक्टर है करने जाते हैं और पेशेंट है करवाने जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई नॉन हॉस्पिटल में एडमिट है, जो भगवान ना करे हो, जो कभी होता है तो हमें क्या है उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है, ना मैं डॉक्टर हूं और ना मुझे इलाज करवाना है, तो आप कहेंगे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड हु वॉज एडमिटेड ओवर देयर, जिसको वहां पर एडमिट करवाया गया था, यू हैव गॉट, ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा सेकंड फंक्शन जहां पर हम क्या आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट प्लीज, आगे देखिएगा हम थर्ड बात करते हैं कि हम कहां पर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है वन बाय वन हम करते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, हम जो सुपरलेटिव डिग्री होती है मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, गुड ले लेते हैं, गुड, बेटर एंड बेस्ट, ये है डिग्री, एडजेक्टिव भी डिग्री होती है, एडवर्ब भी डिग्री होती है वैसे, लेकिन एडजेक्टिव डिग्री की मैं बात कर रहा हूं कि जो उसकी पहली डिग्री है इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, बीच वाले को कंपैरेटिव और लास्ट वाले को कहते हैं सुपरलेटिव।
अर्थात जब किसी से कोई कंपैरिजन ना की जाए, कोई डिग्री अपनी बेस फॉर्म में होती है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। जब दो के लिए यूज किया जाए कंपैरिजन करें, राम श्याम से अच्छा है बुरा है, जो भी आप करना चाहें तो बेटर, और जब राम क्या है सबसे अच्छा है, इट मींस दैट कि एक साइड में दो और एक साइड में राम है, तो तीन में जब कंपैरिजन किया जाए तो वहां पे आता है बेस्ट। और जो लास्ट वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री होती है, देखिएगा मैं कहता हूं राम इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय, ठीक है आपने ध्यान रखना है। अभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, फिर भी मैं दा का यूज कर रहा हूं। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि हमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का यूज करना है, दा का यूज करना है, तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं इसको पूरा कर देता हूं स्टेटमेंट को, व्हेन जब, जब क्या हो, व्हेन क्या हो, जब क्या हो आपका पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव आप बता देंगे आपको, आपको सोचो पजेसिव एडजेक्टिव कौन देते, पजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर इट, ध्यान रखेंगे। अब ये कम आपका पूरा हो गया है, मैंने कहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, वैसे तो लगाते हैं, अभी मैं लगा के दिखाया राम इज द पैलेस बॉय लगाते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले बच्चों कब नहीं लगाएंगे, व्हेन पजेसिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर इट। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं पजेसिव एडजेक्टिव आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किन किन से पहले नहीं आएगा, और अगर वो सुपरलेटिव से पहले, पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जिसको कई बार क्या कहा जाता है पजेसिव प्रोनाउन कह दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है, बहुत ही गलत बात है। देखिए वो क्या होते हैं माय, ठीक है आर, और क्या होता है योर, उसके बाद क्या लिखें नेक्स्ट में चलते हैं हिज हर इट्स और देयर, ठीक है इट इज ही, ये जो हमारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जब भी ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले आ जाएं, तो जहां हम वैसे सुपरलेटिव के साथ दा लगाते हैं तो हम किसी चीज का भी, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी मैं कहता हूं राम इज द बेस्ट बॉय, और मैं कहता हूं राम इज माई डैश बेस्ट फ्रेंड, डैश बेस्ट फ्रेंड। अब आप यहां पर देखिएगा अभी बेस्ट है, अभी बेस्ट था, लेकिन अब क्या है सुपरलेटिव से पहले है, क्या दे रखा है पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा, तो वहां पे आपने भरना है जीरो आर्टिकल। क्या भरना है जीरो आर्टिकल, कोई आप किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर इस सिचुएशन में आपके पास कोई भी क्या आता है, कोई भी आपके पास ऐसा मतलब क्या है नाउन दिया हो जिससे पहले आपको आर्टिकल लगाना हो, लेकिन उससे पहले क्या है सुपरलेटिव डिग्री हो, लेकिन सुपरलेटिव से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो तो देयर विल बी नो आर्टिकल, ठीक है देयर विल बी नो आर्टिकल, वहां पर कोई आर्टिकल नहीं होगा। एंड यू कैन से दैट नो आर्टिकल विल बी यूज बाय अस देयर, हमारे द्वारा वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। अभी तक हम कर चुके हैं थ्री ऐसी जगह पर जहां पर हम क्या है नॉर्मली किसका यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं, किसका यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का। फोर्थ लगाइएगा मेटीरियल से पहले, मेटीरियल बिफोर मेटीरियल, यस नेम ऑफ मेटीरियल या बिफोर मेटीरियल, या आप कह सकते हैं नेम ऑफ मेटीरियल, मेटीरियल के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। एक्सेप्शन से भरी हुई है इंग्लिश, जिस बच्चे को एरर, कॉमन एरर या एक्सेप्शन आते हैं उसको एग्जाम में इंग्लिश में अच्छे मार्क्स देने से कोई भी नहीं रोक सकता, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और आज का सेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें एक्सेप्शन की बात की जा रही है, और एक्सेप्शन के ऊपर क्या है मतलब कई महीने तक बात की जा सकती है, बिकॉज इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, ठीक है आप ध्यान रखेंगे। मेटीरियल देखिएगा, मैंने कहा गॉड इज वेरी प्रीसियस, प्रीसियस मेटल, यस मैंने कहा कि गोल्ड जो है वो प्रीसियस मेटल है, तो गोल्ड के साथ हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है व्हेन इट इज यूज इन वाइडेस्ट सेंस, ठीक है जब इसका हम किसके रूप में करते हैं
वाइडेस्ट सेंस के रूप में करते हैं। यानी कि बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मैं किसी एक के सोने की बात नहीं कर रहा कि जो सोना मेरे पास है, आपके पास है, किसी और के पास है कि वो प्रीशियस है, सारा सोना प्रीशियस है। तो ये क्या है, हम इसको जनरल सेंस में और ब्रॉड सेंस में इसको यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन सुनिए, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाता है डैश और फिर आ जाता है गोल्ड ऑफ माय रिंग इज वेरी कॉस्टली, कि जो मेरी अंगूठी का सोना वो बहुत महंगा है, ठीक है, तो अब देखिएगा ये गोल्ड जो है ये किसी जनरल सेंस के लिए नहीं, मैंने अपनी अंगूठी के लिए यूज किया है, तो ऐसी सेंस में आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा द। समझ में आया, किसी भी मटेरियल से बनी कोई चीज है या मटेरियल जो भी हम यूज करते हैं, मैटर से बनी कोई चीज है, मटेरियल का नाम है, और आप उसको करते हैं जनरल सेंस में यूज तो देर विल बी नो आर्टिकल। अगर आप उसको यूज करते हैं किसमें, ब्रॉड सेंस की बजाय किसी पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज द देयर, आपको वहां पर द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं, उसके बाद देखिएगा When a common noun is used, ठीक है, in its widest sense, कैसे देखिएगा, मैंने कहा man is mortal, कहता मनुष्य जो है, मानव जो है वो नश्वर है, क्या सिर्फ एक ही इंसान को मरना है, जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उन सभी को एक ना एक दिन क्या है, मरना है। तो हम इस मैन को क्या स्पेशल कह सकते हैं, नो, इस आदमी का यूज किया गया वाइडर सेंस में, ठीक है, कि मैन इज मोर्टल। लेकिन यहां देखिए, आगे देखिए, मैन इज डैश मैन इज माई फ्रेंड, क्या ये जो देखिएगा, क्या ये मैन जनरल मैन है, नहीं, क्या ये आम आदमी के लिए यूज किया गया, नहीं, क्या इसको वाइडेस्ट सेंस में यूज किया गया, नहीं, क्योंकि ये मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो मेरा दोस्त है, जो मेरा दोस्त है। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन है आपका ये, कि ऐसी सेंस में आपको दा लगाना पड़ेगा। यू आर यूजिंग इन द ब्रॉड सेंस तब आपको नहीं लगाना है, अगर आपको मतलब पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए यूज करना है तो आपको क्या लगाना है, कॉमन नाउन के लिए यूज करना है तो क्या लगाना है, द लगाना है, क्या लगाना है, द। सो आगे चलते हैं, यही लिख लेते हैं आपका सिक्स जो है। अब सिक्स हम कहां पर और ऐसी जगह है जहां पर हम नहीं लगाते, देखिए एक एग्जाम्पल देता हूं, आफ्टर कर देते हैं, हमकी बात बिफोर लिखते बहुत है, आफ्टर द फॉलोइंग verbs of choice, ठीक है, ध्यान रखिए कि कुछ verb हमारी choice वाली, जिसमें से मैं यहां पर यही लिख देता हूं ताकि आपको दिखे, पहले कर लेते elect, elect, उसके बाद कर लेते select, उसके बाद हम कर लेते choose, choose, ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं nominate, nominate, उसके बाद हम कर देते अपॉइंट, अपॉइंट। सो ये कुछ वर्ब हैं जो क्या दिखाती, चॉइस को दिखाती है। देखिए अब चॉइस की बात करेंगे, मैं कहता हूं ही इज एन एमएलए, अभी आपने एमएलए से पहले कि वह है एक एमएलए है तो आपने क्या लगाया, एन लगाया, क्या लगाया, एन लगाया, तो इसका मतलब इससे पहले आर्टिकल आता है, और वह एमएलए है या वह वो एमएलए है, ही इज द एमएलए, ठीक है, हु वॉन वॉन द इलेक्शन, ये वह वो एमएलए है जिसने इलेक्शन जीता, यानी कि आप पार्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो दा लगाना है। देखिएगा आर्टिकल दा में तो एक ही चीज जिसके दिमाग में घुस गई कि वो भाई कभी भी हमने किसी भी कॉमन नाउन के को पार्टिकुलर बनाना है तो उससे पहले दा लगा देना है। तो
तो यहां पे ये कॉमन था, ए एन लगाने से कॉमन और दा लगाने से पार्टिकुलर बन गया क्योंकि मैं विशेष एमएलए की बात कर रहा हूं। लेकिन आगे चलते इसी में, ही इज इलेक्टेड डैश एमएलए। सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जिस नाउन से पहले आप क्या कर रहे हैं, जिस नाउन से पहले आप क्या कर रहे हैं आर्टिकल लगा रहे हैं, अगर उसी से पहले इन वर्ब में से कुछ इलेक्ट सिलेक्ट चूज नॉमिनेट अपॉइंट आ जाए, इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाए वर्ब की, तो देयर विल बी जीरो आर्टिकल। ये है समझने की बात, एक्सेप्शन कि ऐसा नहीं है कि हमें ये जब भी हम देखें एमएलए को तो एन एन लगा दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी प्राइम मिनिस्टर को देखें तो क्या दा लगा दें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, अगर उनसे पहले ये वर्ब आई है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, अगर ठीक है ये वर्ब आई तो कोई आर्टिकल नहीं, अगर ये वर्ब नहीं आई है तो वो देखना कि वो आप उसको कॉमन रखना चाहते हैं पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको वहां पे इस तरह से यूज करना। लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले दाही लगेगा, ए का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ वह है एक प्रधानमंत्री है, तो इस सेंस में अगर आप कहना चाहें तो यू कैन यूज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ही वांटेड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, कि वो एक प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे कि कहां पर और हम क्या करते हैं आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बिफोर, अब हमारा सेवन पे बिफोर, ठीक है किससे पहले, बिफोर कलर, ठीक है कलर्स नेम। ठीक है, अब यहां पे जो दिखा है यहां पे आपको समझना है, मैं यूज करके दिखाता हूं। देखो आई हैव अ रेड शर्ट, अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कलर से पहले आता नहीं है, आर्टिकल आया हुआ है, और दिस इज द रेड शर्ट, यानी कि जिसके पहले बारे जिक्र हो चुका है कि ये वो लाल शर्ट है जो जिसके बारे आप कल बात कर रहे थे ना, ये वो वाली लाल शर्ट है। तो यहां पे दा भी आ गया है और मैंने ऊपर क्या लिखा है बिफोर कलर्स नेम, यानी कि हम लिख रहे हैं कि ओमिशन रहेगा बिफोर कलर्स नेम। आप जरा सोचिए शर्ट दो है यहां पे, शर्ट के लिए बन गया है, आप अच्छे से समझिए शर्ट है ना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का नाम, और उसके अर्थ में जो भी कोई चीज कुछ जोड़ दे ऐड कर दे, यानी कि नाउन के अंदर कोई ऐड करने की पावर किसके अंदर होती है एडजेक्टिव के अंदर, नाउन के अंदर अगर उसके मीनिंग में कुछ ऐड करना तो वी विल हैव टू यूज एन एडजेक्टिव। तो यहां पर जो रेड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, जब कलर्स नेम का यूज किया जाए एज अ नाउन, ये ध्यान रखना है, जब कलर्स नेम तो हो लेकिन वो एज अ नाउन हो, कि मैं कहता हूं ये कैसा है दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लू, यहां कलर को एडजेक्टिव के रूप में नहीं बल्कि कलर के रूप में ही यूज किया गया है। ठीक है, वो क्या है दैट इज व्हाइट, दैट इज व्हाइट, जब कलर को कलर के लिए यूज किया जाए यानी कि एज अ क्या किया जाए एज अ नाउन यूज किया जाए तो नो आर्टिकल, और एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाए तो डिपेंड करता है कि इफ यू वांट टू मेक इट कॉमन देन ए और एन का यूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड की साउंड क्या आती है, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए, अगर वॉवल साउंड है तो क्या लगाएंगे एन लगाएंगे उसके बिगिनिंग वाले लेटर को देख के। लेकिन जब भी किसी कलर का जो यूज है वो एज अ नाउन किया जाए स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, कोई यार भी आर्टिकल नहीं लगाना है। सो उसके बाद चलते हैं आगे हमारा कर लेते हैं एट वाला। ठीक है, एट पे देखते हैं और क्या, ठीक है देर आर सो मेनी यूजेस जिसको आपको समझना है, और एग्जामिनर फिर कहता हूं एग्जामिनर जो आपके जो एग्जाम होता है कंपिटेटिव एग्जाम खासकर जो होते हैं ज्यादातर यहीं से पूछते हैं, ज्यादातर यहीं से पूछते हैं कि बच्चा तो देखते ही ए एन या दा भरने की कोशिश करेगा, तो एक या दो क्वेश्चन यहां से जरूर डाल दिया जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है हमारा बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, भाई किसी भी विषय के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आई लर्न इंग्लिश, दे स्टडी, दे स्टडी पॉलिटिकल साइंस, दे स्टडी पॉलिटिकल साइंस। सो आपको जब भी किसी विषय का नाम लेना हो तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज
एनी आर्टिकल बिफोर इट, आपने उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि और कहां पर जीरो आर्टिकल रहेगा, या आएगा तो किस सिचुएशन में आएगा, क्योंकि मैं आज दोनों चीजें आपकी क्लियर कर रहा हूं कि आएगा तो क्यों आएगा और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा। सो आगे चलते हैं, हम एट तक हमारा हो चुका है, नाइन पे चलते हैं। और कहां पे आएगा, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के नाम से पूर्व हम कभी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे इंग्लिश इज एन इलॉजिकल लैंग्वेज, इंग्लिश एक इलॉजिकल लैंग्वेज है, इलॉजिकल यानी कि गैर तार्किक, ठीक है। वी लर्न फ्रेंच। सो ये है आपका, लैंग्वेज के नाम से पहले कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहां लगाएंगे, व्हेन वी यूज लैंग्वेज, when we use language to represent, to represent, when we use language to represent the people of that country, जिस देश की वो भाषा है, अगर आपको उस देश के लोगों को represent करना है तो क्या हो जाएगा, the English, जो अंग्रेज होते हैं आर वेरी टॉल, जो अंग्रेज होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, यहां पे द इंग्लिश का मतलब है अंग्रेज, यानी कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ओके। और देखिएगा दी फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोग, दी इटालियन इटली के लोग, दी जैपनीज जापान के लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से द हिंदी अर्थात हिंदी बोलने वाले लोग, हिंदुस्तान के लोग, तो इस प्रकार से जब किसी लैंग्वेज का आप यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ दैट कंट्री, तो तब आपको क्या लगाना है, तब आपको लगाना है वहां पर द। अगर आप लैंग्वेज को लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं तो तब आपको वहां पर कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप देखिएगा, अगला हम चलते हैं, अगला हमारा है 10 जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, बिफोर 10 पे देखिएगा, बिफोर द नेम ऑफ रेगुलर मील, देखिए हम मील की बात कर लेते हैं, पहला हमारा होता है ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर, रेगुलर जो हम घर पे करते हैं, मैं यूजुअली अपना खाना 8 बजे लेता हूं, या मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, यस। इसका मतलब ये मैं बात कर रहा हूं रेगुलर मील की, किसकी बात कर रहा हूं, रेगुलर मील की। वेन एवर ब्रेकफास्ट लंच सपर एंड डिनर आर यूज फॉर द रेगुलर मील, या रेगुलर मील के लिए यूज किए जाते हैं, तब आपको इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन इनका भी एक्सेप्शन है, यू नो वेरी वेल कि इंग्लिश इज फुल ऑफ एक्सेप्शन से भरी हुई है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि जब भी इनका प्रयोग करें आप विशेष खाने के लिए, ठीक है। मैं कहता हूं The breakfast, या आप डिनर कह लें, hosted by Mr. Sharma was
वेरी डिलीशियस, वॉज वेरी डिलीशियस। सो स्टूडेंट्स यू कैन इजली ऑब्जर्व द ब्रेकफास्ट या डिनर जो आप यूज करें होस्टेड बाय मिस्टर शर्मा, जिसको होस्ट किया था मिस्टर शर्मा ने, वाज वेरी डिलीशियस, वो बहुत स्वादिष्ट था। अब आप यहां देख सकते हैं जो ये ब्रेकफास्ट या डिनर है दैट इज नॉट आवर रेगुलर मील। ये क्या है, ओकेजनली किसी के द्वारा होस्ट किया गया है तो इसलिए हमारा रेगुलर मील नहीं है, और इसी कारण से यहां पर क्या है, हमने किस चीज का यूज किया है, यहां पर आर्टिकल लगाया है, वो क्या द लगाया है। सो ऊपर रहेगा हमारा ओमिशन, लेकिन इस सिचुएशन में रेगुलर मील के साथ में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ऊपर रहेगा ओमेट और नीचे वाले सिचुएशन में लगा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं 11 नंबर पे कि और कहां पर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं तो क्यों नहीं लगाते हैं, और लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। अब हमारा बचा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, देखिए ट्रांसपोर्ट के जिस भी साधन के साथ आप आते हैं कहीं जाते हैं साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे ठीक है ही केम हियर बाय डैश बस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि वो यहां बस से आया या बाय एयर आया, ठीक है, या बाय सी आया, बाय सी, ठीक है, बाय कार, जो भी आप लगाना चाहें। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आपको जब भी ऐसा कोई मिलता है तो आपको उनका यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम 12 पे। 12 पे हम करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, और कब लगाते हैं बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा हार्ट, ठीक है, जो हार्ट है ना क्या करता है, पंप ब्लड। जो हार्ट है वो ब्लड करता है को क्या करता है, पंप करता है, क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो जीरो आर्टिकल, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन देखिएगा, एक्सेप्शन जब किसी व्यक्ति विशेष के शरीर के अंग की बात की जाए, ही कॉट मी बाय द ईयर, उसने मुझे कान से पकड़ लिया, ठीक है, उसने मुझे कान से पकड़ लिया। तो इस प्रकार से जब उसको जनरल सेंस में यूज किया जाता था पार्ट्स ऑफ बॉडी को, वी नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट, उससे पहले लगाते, लेकिन जब वो पार्टिकुलर हो जाए तो इस प्रकार से हम क्या उसके सामने क्या लगाना पड़ता है, वी विल हैव टू यूज द। हमें किसका यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, द का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं अगला, देखिएगा 13 पे चलते हैं। जब भी किसी नाउन का, जब भी आप कह सकते हैं व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड, ठीक है, फॉर अ सिंगल वन, जब भी कभी दो नाउन यूज हो लेकिन उनका यूज एक ही के लिए किया जाए, तो आप देखिएगा कि आर्टिकल कैसे आएगा, ध्यान रखेंगे, द टीचर एंड डैश सिंगर इज नो मोर। देखिए ये जो टीचर है इसका एक गुण और है कि ये सिंगर भी है। ये टीचर और सिंगर जो हैं, दे आर द सेम पर्सन। ये दोनों ही जो नाउन है एक ही व्यक्ति के लिए यूज किए गए हैं, यूज फॉर ठीक है वन पर्सन। यहां लगाएंगे जीरो आर्टिकल। एक्सेप्शन देखिएगा, ऐसे एग्जाम में आते हैं अगर आपकी आर्टिकल की गलती हो जाती है तो डेफिनेटली आप किसकी गलती कर देंगे, आगे वर्ब की गलती भी कर देंगे। अगर एक्सेप्शन में ध्यान रखें, द मिनिस्टर एंड MLA वर देयर। अब देखिएगा, मैं अगर ये कहना चाहूं,
अब यहां से वर्ब जो है ना, ये वर्ब जो इंडिकेट कर रहा वर्ब कि आई हैव यूज टू पर्सन देयर, मैंने यहां पे दो व्यक्तियों के लिए इसको यूज किया है, क्योंकि मिनिस्टर कोई और है और एक एमएलए वहां पर है, द मिनिस्टर एंड द एमएलए, वो मंत्री और वो वाला एमएलए क्या था वहां पर थे, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आर्टिकल लगाना है नहीं लगाना, अगर आपको वर्ब मिलती है स्टूडेंट सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब मिलती है, ठीक है, तो ध्यान रखें, तो आपका क्या है यहां पे, आप एक ही व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, अगर आपको वर्ब मिलती है प्लूरल तो इसका मतलब वहां पर दो व्यक्ति हैं, तो आप वहां पे दा लगा के आएंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने ये जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल सीखा है तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ आप ए और एन दा को अगर आप सीख लेते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि अभी आप अधूरे हैं, क्योंकि अगर आप उनको देख करके भर देते हैं और एक्सेप्शन आपको नहीं आते इंग्लिश के अंदर, तो एक्सेप्शन के बिना काम नहीं चलता। इफ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपरली देन यू विल हैव टू गो थ्रू, आपको गुजरना पड़ेगा इसके एक्सेप्शन के अंदर से, क्योंकि इंग्लिश अगेन कह रहा हूं फुल ऑफ एक्सेप्शन, सो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर एक्सेप्शन ना हो, तो आर्टिकल भी क्या है इसका अपवाद नहीं है। सो स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ए एन और दा के यूज वाली, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप उनको जरूर देखना, और उनको देखने के बाद फिर जब आप जीरो आर्टिकल वाली आज की ये आपकी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पर आपको यूज करना है आर्टिकल का और कहां पर आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, कहां पर आर्टिकल का यूज करना है और कहां पर नहीं करना है। तो अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो दोस्तों मित्रों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।